केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के जन्मदिन के मौके पर भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो नहीं लगाए जाने को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने जहां इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान बताया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि सिंधिया बड़े नेता हैं, ये पोस्टर बनवाने वालों की त्रुटि है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस के नेता काफी नाराज चल रहे हैं और वे सिंधिया पर जुबानी हमला करने से नहीं चूकते। ताजा मामला केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण सेजवलकर के जन्मदिन का है। इस मौके पर भाजपा के बड़े नेताओं के फोटो पोस्टर में लगाए गए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब है। इस पर कांग्रेस नेता बालेंद्र शुक्ला ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये पोस्टर भाजपा द्वारा लगाए गए हैं और उसमें सिंधिया का फोटो नहीं लगाया गया तो आम जनता क्या समझे। नहीं देखिए, उसमें मेरे लगने न लगने का कोई प्रश्न नहीं है। ये होर्डिंग अपने आप में बता रहे हैं, इसमें मैं क्या बोलूँ। ये होर्डिंग ही कुछ बोल रहे हैं। होर्डिंग किसने लगवाया? कांग्रेस पार्टी तो लगवाया नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगवाए। अब उन्होंने सिंधिया का फोटो नहीं लगाया तो इससे आम जनता, समाचार पत्र वाले क्या महसूस कर रहे हैं? तो होर्डिंग अपने आप ही सब कहानी कह रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी का कहना है कि सिंधिया भाजपा के बड़े नेता हैं, जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं उनको नहीं पता होता कैसा होना चाहिए। अगर उनके पास पोस्टर आता तो उसमें वे सुधार करवा देते। पूर्व मंत्री और भाजपा में शामिल सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वे जनता की सेवा करते हैं, ये छोटी बात है। प्रद्युमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोल रहे हैं वे पहले इन्हीं सिंधिया के नाम का सिंदूर माथे पर लगाकर घूमते थे, अब वे इसे मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ विज्ञापन देखे हैं। पहली बात तो जिस विज्ञापन में मेरा फोटो लगा है वो अधिकृत विज्ञापन है नहीं पार्टी का, किसी समाज के लोगों ने दिया है। अब वो समाज के लोग इतने जागरूक होते नहीं, उनको कुछ पता होता नहीं है, तो अगर मेरे सामने प्रारूप आता तो मैं उसमें करेक्शन करता। बाकी दूसरे विज्ञापनों की बात है तो मैंने भी उसको पॉइंट आउट किया है और मैं अपने स्तर पर उनसे पूछताछ करूँगा, उनसे बात करूँगा। सिंधिया जी हमारे लिए बहुत सम्मानीय नेता हैं, देश के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, उनके मान सम्मान का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा और ये चूक है, उस चूक को मैं भविष्य में नहीं होने दूंगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीमंत सिंधिया जी किसी पहचान की जरूरत नहीं, वो विशाल व्यक्तित्व है, वो राजनीति सिर्फ समाज सेवा के लिए करते हैं। और जो आपने श्रीअंत की बात की है ये छोटी बात है, और जो लोग बात कर रहे हैं ये अहंकार में नहीं कह रहा, कल तक वही लोग श्रीमंत सिंधिया के नाम का सिंदूर भरे थे, आज कुर्सी के खातिर पद के खातिर वो सिंदूर मिटा रहे हैं, पर वो अभी छूट नहीं पा रहा है। इसलिए मैं उन्हें सलाह दूंगा कि बोलो वो बात जो लोग जनता हजम कर जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।